इस पिक्चर का नाम है अनजाने. आज पहला दिन है शूटिंग का. आज मॉरल शॉट जो भी आपने देखा. इस फिल्म में मेरा नाम आदित्य है. ये पिक्चर क्योंकि सस्पेंस फिल्म है तो मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि इस पिक्चर में मनीषा कोराला है, जिसके साथ मैंने पहले छुपा रुस्तम में काम किया था. और छुपा रुस्तम वॉज अ सक्सेसफुल फिल्म. So we are just hoping that we can do some good work in this film as well, and make sure this picture also succeeds. Plus, we've got another girl. इस पिक्चर में एक और लड़की है as a main role, जो कि अभी decide नहीं हुई. The genre of the film is more suspense thriller element of this film. आपके character आदित्य के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कैसे किस्म का आदमी है वो? ये आई वुड से दैट इसका द कैरेक्टर इज ऑन द ग्रे साइड. आई वुड नॉट से दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव रोल, बट इट्स नॉट अ नेगेटिव रोल ईदर. ही मेक्स अ मिस्टेक इन लाइफ बट ही रिग्रेट्स इट, एंड ही इज ट्राइंग टू मेक द एंड टू एंड्स मीट. एंड I think so. That's all I can say, because you know, basically that's the suspense of the film, and I can't say much about it. ये director की पहली picture है, तो आपको कैसे यकीन आ गया कि ये script आपके लिए सही रहेगी? Director में इतना confidence कहाँ से आ गया आपके पास? Confidence इसलिए कि मैं पहले भी नए directors के साथ काम कर चुका हूँ, और हर director जो जितना भी बड़ा हो, वो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो नया होता ही है. चाहे वो मिस्टर राज कपूर हो, उन्होंने भी पहली तो पिक्चर बनाई होगी, या सूरज बड़जात्या हो, या करण जौहर हो, तो देर आर ऑल वर न्यू सम टाइम और दी अदर. अगर आदमी सोचे जब तक वो करण जौहर या आदित्य चोपड़ा नहीं बनेगा तो कोई उसके साथ काम नहीं करेगा, तो वो बनेगा कैसे? तो एक तो ये रीज़न था, प्लस यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव फेथ इन द स्क्रिप्ट, एंड यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग टू नो अ पर्सन. You have to have the understanding and sensibility to understand whether this director has got the capabilities or not. इसका ये मतलब नहीं है कि जिसमें capabilities हो वो हमेशा ही successful film बनाता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ. But definitely you have to go with your instinct. And plus I have got no problems. I have worked with new directors. I have worked with Sushen Bhatnagar in Soch, who was a new director. That was his first film, and I was very happy with his work. मैंने पहले सोहेल खान के साथ काम किया औजार में, फिर मैंने जमीर एक पिक्चर की, उसमें भी नया डायरेक्टर था. देन आई डिड अ मूवी कॉल्ड सिर्फ तुम, दो ही वाज अ साउथ डायरेक्टर, बट फॉर द हिंदी फिल्म इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म. सो यू हैव टू हैव दैट, सम टाइम इट वर्क, सम टाइम इट डजेंट, बट इवन आई वॉज न्यू. समबडी टुक द चांस ऑफ वर्किंग विद मी, मिस्टर इंद्र कुमार, व्हेन ही कुड हैव टेकन एनी स्टार एट दैट टाइम, ही मेड राजा विद मी विद माधुरी दीक्षित एज द हीरोइन. जब राज कपूर ने कर्तव्य बनाई, he was a very big director, he was working with at that time Divya Bharti, who was unfortunately no longer with us, and I was new, he still took me. So I think so, you have to trust, they trusted on me, and I have to trust on new directors today. आपके किरदार पर वापस आते हैं, आदित्य जैसे आपने डिस्क्राइब किया, थोड़ा ग्रे है उसमें, ग्रे शेड्स हैं, तो क्या आप उस रोल के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्योंकि हर आदमी ऐसा ही होता है जिसका नहीं, इस रोल के साथ मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बिकॉज नोबडी इज रियली, एटलीस्ट नॉट मी, आई एम नॉट ग्रे इन माई लाइफ, क्वाइट पॉजिटिव. बट या इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स मच मोर इंटरेस्टिंग आई फील व्हेन यू हैव सम शेड्स, ग्रे और नेगेटिव और व्हाटएवर, इट जस्ट गिव्स यू अ लिटिल मोर chance to do a little extra, because it doesn't go on just one flow. It's not, and I've crossed that stage, I feel, where I just want to do very sweet roles. I want to try out different things, and today I've got another film coming up called Kayamat, where I'm playing an out and out negative role, and I've enjoyed it thoroughly. I enjoyed it thoroughly, so I hope that I'm going to enjoy this film also, though it's not negative, but it's interesting.